नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय तिलोक चंद छाबड़ा सर का, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, जिन्होंने एक आम व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में कामयाब करने का मौका दिया और साथ में यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, जिन्होंने इस ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन करने के लिए काम किया। इसलिए पूरे कोर लीडर्स का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, ताकि इस विपरीत परिस्थिति में भी इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। आज की इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूँ। मेरा नाम रविशंकर राय है और मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। हालाँकि आपको पता है कि अधिकतर लोग इस बिजनेस को किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जिस तरह आपके ज़िंदगी में आपके पिताजी, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके सोसाइटी के व्यक्ति के माध्यम से इस बिज़नेस की जानकारी आपको मिली, ठीक उसी तरह मेरे ज़िंदगी में भी मेरे भैया मिस्टर अजय कुमार राय, जिन्होंने पहली बार मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, जिन्होंने पहली बार मुझे इस बिज़नेस का प्लान दिया, जो एक रेलवे में टीटी की नौकरी करते थे और आज इस बिज़नेस में स्टार रूबी पिन पे हैं। जब पहली बार मेरे भैया ने मुझे प्लान दिया दोस्तों, सच बताऊं पहली बार में मुझे ये प्लान समझ में नहीं आया, क्योंकि जब पहली बार में भैया इस प्लान को दे रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भैया ने कॉपी लिया, कलम लिया और उस कॉपी में गोल गोल करके सब कुछ समझाने की कोशिश मुझे कर रहे थे। मुझे सच में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। भैया ने बोला मैं दोबारा तुमको समझाता हूँ। भैया ने फिर से मुझे मार्केटिंग प्लान दिया, फिर से मुझे पूछा क्या तुमको समझ में आया। मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि कारण ये है दोस्तों, क्योंकि मैं समझना ही नहीं चाहता था। मेरे भैया मुझे समझाने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं समझने के लिए तैयार नहीं था। और मैं इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि भैया जो प्लान दे रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान है। मुझे अनुभव है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी किसी दूसरे कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। जब शुरुआती दौर में उसने बिजनेस को साइनअप किया, वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्साह था उसके अंदर। लेकिन एक दो महीने के बाद मैंने देखा वो उस बिज़नेस के प्रति नेगेटिव हो गया। मैंने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग एक फालतू कंपनी है, फालतू कॉन्सेप्ट है और इसमें किसी को भी अपना कैरियर नहीं बन सकता। जब उस लड़के ने कहा, मेरे फ्रेंड ने जब कहा कि किसी का भी कैरियर इस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बन सकता, वो बात मेरे दिमाग में सेट कर गई। इसलिए जब पहली बार मेरे भैया ने मुझे प्लान दिखाया ना, तो मैं समझना नहीं चाहता था, कि मुझे लगता था ये बिज़नेस काम का नहीं है। और सच बताओ दोस्त, इस बिज़नेस को करने का कोई मेरा कोई मकसद नहीं था, कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस बिज़नेस में आना मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी थी इस बिज़नेस में आना, और बहुत सारे लोगों की मजबूरी बनती है। कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने किसी जिगरी फ्रेंड को बार 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 आरसीएम करने के लिए कहते हैं, अपने किसी रिलेटिव को बार बार आरसीएम करने के लिए कहते हैं, तो रिलेटिव सोचता है कि अगर इसको आरसीएम करने से ही अच्छा लगता है, अगर मेरा रिश्ता इसको ज्वाइन करने से सही हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि रिश्ता को बरकरार रहने के लिए इस बिज़नेस को किया जाए। ठीक उसी तरह मैंने भी सोचा कि अगर मैं आरसीएम ना करूं तो मुझे बार बार भैया बोलेंगे आरसीएम करने के लिए, और कभी ना कभी मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अगर आना ही है, साइनअप ही करना है, तो अभी कर लो, नहीं तो ये कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। और मैं सच बताऊं दोस्त, छुटकारा पाने के लिए मैंने इस बिज़नेस को साइनअप किया, क्योंकि शुरुआत में जब इस बिज़नेस को आप साइनअप करते हैं, आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, मात्र प्रोडक्ट खरीदने से आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए मैंने भी सोचा कि प्रोडक्ट लेना है, तो मैंने लेके बिज़नेस को साइनअप कर दिया और सोचा कि दोबारा मेरे को भैया कुछ नहीं बोलेंगे। और बहुत सारे लीडर्स के सोचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर सोचते हैं कि मैं जब ज्वाइन कर लूँगा तो शायद ऐसा मेरे पास बार बार कुछ करना ना पड़े। और मेरे को भी यही सोचा था, मैंने भी यही सोचा कि मेरे को कुछ ना करना पड़े। लेकिन जैसे मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया दोस्त, ठीक कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक सेमिनार होने लगी। मेरे भैया ने मुझे बोला कि आज 7 दिन के बाद यहाँ पे एक सेमिनार है, आपको वो सेमिनार अटेंड करना है। मैंने बोला यार बिज़नेस ज्वाइन कर लिया यही तो बहुत है, फिर सेमिनार भी अटेंड करना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा।
जाना मेरे लिए मजबूरी था दोस्त, क्योंकि अगर नहीं जाता तो सेम प्रॉब्लम। भैया मुझे बार बार बोलते हैं कहाँ गए थे, क्यों नहीं गए। इसलिए मैं सोचा मीटिंग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मीटिंग में चला गया, अंदर बैठा दोस्त, सारा मीटिंग मैंने देखा। मुझे उस मीटिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया, बस कुछ चुटकुले, कुछ कहानियाँ और कुछ कुछ लीडर आके अपनी इनकम को बोल रहे थे, बस उतना ही समझ में आ रहा था। और सब कुछ एक नाटक लग रहा था, एक मजाक लग रहा था। कुछ लोग कभी ताली बजाते थे, कुछ लोग कभी हल्ला करते थे। मैं सोचता था ये क्या बिजनेस है। सेमिनार अटेंड हुआ, ख़त्म किया, घर आया, फिर भूल गया। फिर दूसरा सेमिनार आया, फिर यार ने मेरे को फिर दोबारा बोला कि जाओ मीटिंग अटेंड करो। मैं फिर गया मीटिंग अटेंड करने। बिजनेस मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन के बाद भैया ने मुझे कहा अब बिजनेस में एक स्टेप आगे बढ़ना है और लोगों को ज्वाइन कराना है। मैंने बोला लोगों को ज्वाइन कराना है नेटवर्क मार्केटिंग में? लोग क्या ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? मैंने भैया से सवाल किया। और मन मन में ये सोचता था कि भैया एक अच्छा खासा नौकरी करते हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रहे हैं, मुझे भी ये काम करने बोल रहे हैं, और इसमें कोई करियर नहीं है। और आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बोलूं तो कौन ज्वाइन करेगा? मैं जिसको भी बोलता था वो बोलता था नहीं ये फालतू का काम है, कहाँ से लाऊं, किसको लाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना पुराने जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, क्यों ना उसे मैं इन्वाइट करूँ। तो मेरे साथ जो केंद्रीय विद्यालय में स्टूडेंट थे, मेरे साथ जो पढ़ाई किए थे स्टूडेंट, मेरा जो दोस्त था, उनको मैंने इन्वाइट किया और भैया के सामने रखा। भैया ने उसे प्लान दिया और दोस्त उसमें से एक व्यक्ति आरसीएम बिजनेस को साइन अप कर दिया। जैसे उसने आरसीएम बिजनेस को साइन अप कर दिया, हमारा इस बिजनेस में कदम बढ़ गया और मैं इस बिजनेस को धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं बिजनेस को धीरे धीरे कर रहा था दोस्त, कामयाबी जो है वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या है बिजनेस। लेकिन उसी वक्त मेरे हाथ में एक ऑडियो कैसेट लगा, आरसीएम ही क्यों, माननीय मुकेश कोठारी सर के द्वारा। वो कैसेट में आप सुनिएगा, सर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं आरसीएम क्यों करना चाहिए। जब मैं पहली बार उस कैसेट को सुना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वाकई में हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए। और मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की, बहुत तेज़ी से बढ़ने का काम करने लगा। लेकिन काम तो करता था, रिजल्ट कम आते थे। लोगों के पास प्लान देने जाता था, लोग ना बोलते थे, फिर प्लान देने जाता था, फिर ना बोलते थे, और धीरे धीरे डीमोटिवेट हो गया। लेकिन एक दोस्त, मैं आपको फ़ायदे की बात बताऊं कि मैं सेमिनार हमेशा अटेंड करता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा सेमिनार। तो मैं जब सेमिनार अटेंड करने गया तो उसी वक्त एक सेमिनार मुझे अटेंड करने का मौका मिला, माननीय बीसी छाबड़ा सर का। सच बताऊं दोस्त, मैं उस मीटिंग को जब पूरा सुना, मुझे विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि इतना दिन मुझे लगता था ये बिज़नेस में वही लोग कामयाब होंगे जिनको अच्छा बोलना आता है, जिन जो पहले से ही लीडर टाइप के हैं, जो एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, मेरे को लगता था वही लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। मुझे ऐसा विश्वास तब जाके ठीक हो गया, पैदा हुआ, कि जब मैं बीसी छाबड़ा सर का मीटिंग सुना, मेरा पूरा विश्वास हो गया कि वाकई में ये बिज़नेस में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं बिज़नेस बड़े जोश के साथ करने लगा। और जैसे जैसे करते जाएंगे ये बिज़नेस, इस बिज़नेस की बहुत अच्छी खूबी ये भी है सर कि आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको अच्छे अच्छे लीडर मिलते जाएंगे। ये बहुत लंबी जर्नी है सर, बहुत धुलंदर धुलंदर लीडर आपको मिलेंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं भी जब इस बिज़नेस को करने लगा तो मुझे आगे चल के एक बहुत यूनिक लीडर मिला, और वो लीडर है माननीय सुरेंद्र वत्स सर। मैं प्लान देता था दोस्त, रिजल्ट कम आता था। सर से जब मेरी बातचीत हुई, सर से जब मैंने सेमिनार देखा सर का, तो सेमिनार में और लोगों को सर एक बुक की सलाह देते हैं हमेशा, वो बुक है लोक व्यवहार। आपको भी ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, पढ़िए। मुझे ये बुक ने बहुत मोटिवेट किया। उस बुक में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि लोक व्यवहार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी को प्लान दे रहे हैं और वो रिजल्ट नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, इसका रीज़न ये है कि आपका लोक व्यवहार, यानी आपको रिलेशन बिल्ड करना है पहले, पहले रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, फिर जाके ज्वाइनिंग आती है। ये बात मेरे को उस बुक में पता चली, और बुक की एक लाइन जो है सर वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। उस बुक में एक सेंटेंस था, एक लाइन था कि अगर आप बिजनेस करते हैं
तो आपको मुस्कुराना आना चाहिए। अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आपको बिजनेस नहीं करना। यानी कहने का मतलब क्या है, मुस्कुराहट ही बिजनेस का सबसे मेन हथियार है। इसलिए मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस को हंसते हुए इंजॉय करते हुए करना चाहिए, और मैंने इस बिजनेस को इंजॉय करते हुए करने लगा। यानी कहने का मतलब आपका क्या है दोस्तों, कि पहले मेरे को ऑडियो मुझे सपोर्ट किया इसको क्लियर करने के लिए, मीटिंग्स मुझे सपोर्ट किया, मेरे अंदर मोटिवेशन लाया कि मैं आगे बढ़ सकूं, किताबें मुझे नॉलेज बढ़ाया। यानी कहने का मतलब क्या है, आप अगर वाकई में इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं तो आपको सुनना चाहिए, चाहे वो ऑडियो कैसेट्स हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से, आपको सुनना है। दूसरा, आपको आज जो सबसे बड़ा वेबिनार चल रहा है, सेमिनार्स होते हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, उनके द्वारा आपको अटेंड करना है, ट्रेनिंगें आपको अटेंड करनी है, और साथ में बुक्स पढ़ना है। सर, ये तीनों चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहा, और धीरे धीरे इस बिजनेस का मैं रॉयल्टी अचीवर बना, टेक्निकल अचीवर बना, और स्टार रूबी जैसे पिन पे भी आया, और सौभाग्यशाली समझता हूँ, बहुत भाग्यवान समझता हूँ मैं अपने आप को, कि मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ने का मौका भी मुझे मिला। और दोस्त, आपको भी ये बिज़नेस करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मैं सलाह दूंगा आपको कि बिज़नेस आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। अगर आप अपनी ज़रूरतों को समझ जाएंगे तो बिज़नेस भी आप समझ जाएंगे। पहले अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, क्या ऐसा नीड है जो हमारा बेसिक नीड कह सकते हैं आप इसको, जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहला जो हर आदमी को, हर इंसान को चाहिए, वो है पैसा। सर, क्यों? क्योंकि पैसा से ही हम अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। खाने के लिए हमें पैसा चाहिए, रहने के लिए हमें पैसा चाहिए, यानी पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दुनिया में हर आदमी पहला पैसा कमाना चाहता है, और पैसा ही सबसे बड़ा फोकस पॉइंट रहता है सबका। इसलिए हमारा बेसिक नीड क्या है सर, सबसे पहला पैसा। अगर मैं आपसे सवाल करूं दूसरा और क्या चाहिए आपको, पैसा अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए, तो आज सब कहेंगे कि पैसे के साथ साथ हेल्थ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब लोग हेल्थ को समझते हैं। यानी कहने का मतलब है, पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, और क्या चाहिए? तो आप कहेंगे सर, पैसा जब मिल रहा है, सेहत जब अच्छा है, तो थोड़ा समय भी मिल जाए ताकि मैं उसे इंजॉय कर सकूं। यानी पैसे के साथ साथ हमें समय भी चाहिए ताकि हम अपने फैमिली को दे सकें, हम इस पैसे को इंजॉय कर सकें, लाइफ में मज़ा ले सकें, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। और चौथी चीज़ हमें क्या चाहिए सर, अगर मैं आपसे बोलूं तो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए, सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी। आपकी नीड ज़िंदगी में बहुत सारी कुछ हो सकती है, आप बहुत कुछ पाना सक सकते हैं, लेकिन ये चार चीज़ें हर इंसान के फोकस पॉइंट पर रहता है कि ये चार चीज़ें मुझे चाहिए। पहला क्या चाहिए, पैसा चाहिए, दूसरा हेल्थ, समय, और सिक्योरिटी। आप मुझे बताइए, आप जो काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, आप किसी भी काम से जुड़े हुए हों, क्या आपको लगता है ये चारों चीज़ें आपको मिल रही है? अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं मुझे डाउट है, तो मैं सच बताता हूँ दोस्त, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो बिज़नेस है जिसमें ये चारों चीज़ आपको मिल सकता है। थोड़ा सा मैं आपका एनालिसिस करके बताता हूँ। मान लीजिए अगर मैं नौकरी की बात करूँ, क्योंकि नौकरी जो है ना सर, वो मिडिल क्लास लोगों का सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है, और मैं मिडिल क्लास से हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी रेलवे में थे, मेरे भैया रेलवे में हैं, इसीलिए मेरा जो पूरा फोकस था कि मुझे नौकरी करना है, और मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोगों का यही फोकस रहता है, एक नौकरी प्राप्त करना। अगर सिंपल बात में मैं आपको समझाऊं तो सक्सेस का मतलब मिडिल क्लास में लोगों के पास क्या है, जॉब, और बड़ा सक्सेस का मतलब सरकारी जॉब। यानी नौकरी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है ना सर, हमारा जो सोच है वो सिंपल है, कुएं की मेढक की तरह, जितना दूर दिखता है वही हमारी दुनिया है। हमारे रिश्तेदार नौकरी करने वाले, हमारे दोस्त नौकरी करने वाले, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी में सारे लोग नौकरी करने वाले। एक लड़का वहाँ जब पैदा होता है वो चारों तरफ देखता है, और देखता है तो सब लोग जब नौकरी करते हैं तो उसका मकसद बनता है कि ज़िंदगी में कामयाब तभी बनूंगा जब मैं नौकरी प्राप्त कर लूँ। इसलिए लोगों का सबका फोकस रहता है नौकरी प्राप्त करना, जॉब प्राप्त करना।
और आज के ज़माने में जनरेशन पलता है, यूट्यूब का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, इसलिए लोग अब अवेयरनेस ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन पहले नौकरियां ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब मुझे बताइए सर, आपको अगर नौकरी मिल जाए, आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? ज़रूर लिमिटेड होगी, क्योंकि आपका पैकेज होगा साल का 12 लाख, आपका मंथली 10,000 रुपया आपका बंधा हुआ है। क्या आपको इतना ही मिलेगा? आप अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे तो एक्स्ट्रा काम का इतना ही मिलेगा। आप एकाएक ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि वहाँ लिमिटेड इनकम आपको मिलेगी। और दूसरा बात अगर मुझे बोलूँ कि समय, तो समय सर आपके हाथ में नहीं है। अगर आपका बॉस कहता है 7 डेज वर्किंग करना पड़ेगा, 7 डेज करना पड़ेगा। अगर आपका दोस्त वो बॉस बोलता है रविवार को काम करना पड़ेगा, संडे को काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपका बॉस अगर बोलता है कि अभी प्रेशर ज़्यादा है, नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो नाइट शिफ्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आपका बॉस बोलता है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि जॉब आपको सेफ रखना है, तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। यानी हमें पैसा अनलिमिटेड नहीं मिल रहा, समय मैं अपने हिसाब से ले पा रहा हूँ, जो भी है वो जॉब से बचा कुचा के जो भी मिलता है वही मुझे करना पड़ता है। और सिक्योरिटी की बात कहूँ सर, जॉब में क्या है, क्या है सिक्योरिटी? पहले तो लोग बहुत सिक्योर महसूस करते थे जॉब करते हुए, कि रिटायरमेंट होगा, इतना पेंशन आएगा, वगैरह वगैरह। और आज, आज ऐसा नहीं है सर। आज जो भी मिलेगा आपको मिलेगा, जो भी पैकेज होगा आपका होगा। यानी सिक्योरिटी जो है वो धीरे 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 ख़त्म हो जा रही है। और मज़ेदार की बात बताऊँ सर, आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, उनको भी अपनी नौकरी अब सिक्योर नहीं लगती। उन्हें लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ शायद आगे जाके ये काम ही ना रहे, ये जॉब ही मेरे पास नहीं रहे, क्योंकि लोग अपने जॉब में अब अनसिक्योर फील कर रहे हैं। और अभी का जो टाइम है सर, अभी तो और जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो उनकी नौकरियां और चली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वाकई में जिस जॉब को करते हैं उनमें वो चीज़ें आपको मिल रही है जो आपको मिलना चाहिए? आप देख के देखिए, आप सोच के देखिए। अगर नहीं है दोस्तों, आइए, ये वो प्लेटफॉर्म है, यही वो बिजनेस है। अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी ट्रेडिशनल मार्केट में हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कितना कमा लेंगे और कब तक कमाएंगे। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपको अगर इनकम बढ़ाना है तो दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा, और इनकम बढ़ाना है तो तीसरा बिजनेस करेगा। आप बिजनेस बढ़ाते जाएंगे, इनकम तो बढ़ती चली जाएगी, समय आपका कम होता चला जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कि ज़िंदगी में 60 साल कब हुए। यानी मेरा समय जा रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है। जितना इनकम बढ़ाना चाहेंगे उतना आपका समय कम होता चला जाए। सिक्योरिटी की बात कहूँ दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, क्या गारंटी है कि वो प्रोडक्ट वो बिजनेस रहेगा? मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको बताऊँ, आपके हाथ में क्या नोकिया का मोबाइल है? मुझे पूरा विश्वास है 95% लोगों के हाथ में नोकिया का मोबाइल नहीं है। क्यों? बिजनेस बदल गया, ट्रेड बदल गया, लोगों की सोच बदल गई। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं जो बिजनेस कर रहा है जरूरी नहीं है कि आगे चल के वो बिजनेस रहे। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप किस काम को कर रहे हैं, सक्सेस है उसमें, और आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या आपका परिवार, आपका बेटा उस बिजनेस को कर पाएगा? सोच के देखिए, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको वो पूरा नॉलेज नहीं है वो कर सकता है या नहीं कर सकता। इसलिए मैं दोस्तों कहूँगा कि बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं है, एकदम सिक्योरिटी नहीं, तो क्या करें? आरसीएम, यस राइट, आरसीएम, ये चारों चीज़ें आपको मिलती हैं सर। अगर मैं पैसे की बात करूँ, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा आपको, जितना आप जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपना लेग बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा आपको इनकम आता चला जाएगा। अगर मैं समय की बात कहूँ तो मज़ेदार चीज़ है सर नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप 500 रुपीज़ कमाना चाहते हैं इस बिज़नेस में, आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन मज़ा क्या है, ज्यों ज्यों आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपको समय कम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको मंथली 5 लाख रुपये इस बिज़नेस से आ रहा है, अगर मंथली 5 लाख रुपये बिज़नेस से आ रहा है, तो जैसा मेहनत पहले करते थे, जैसा टाइम आप पहले देते थे, वैसा टाइम अब आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी आपका टाइम अब आपका कम होता चलाएगा, धीरे धीरे आपका टाइम और कम जाएगा,
अब अपने मन के मर्जी होंगे कि अब मुझे समय देना है तो देना, आप 5 दिन देंगे तो भी चलेगा, आप 15 दिन देंगे तो भी चलेगा, यानी समय आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सिक्योरिटी की बात कहूँ सर आपको, तो सिक्योरिटी यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो हमारे पास है, हमारे सीनियर अपलाइन है मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी, आपका उनका सेमिनार उसका वेबिनार इसी चैनल में भी मिल जाएगा आपको, आप उनके सेमिनार को सुनिए। सिक्योरिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सर वहाँ देते हैं, सर अच्छी तरह से बताते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि वो सिक्योरिटी के बहुत बड़े एग्जाम्पल है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम इस बिज़नेस को करते हैं तो हमें टाइम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और सिक्योरिटी मिलेगा। और रही हेल्थ की बात दोस्तों, तो हमारे सिस्टम में हेल्थ को लेकर बहुत अवेयरनेस है, हमारे सिस्टम में हेल्थ ही सबसे प्रायोरिटी में रखता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रिशन, वो हेल्थ के लिए काम करता है। और एक यूनिक प्रोडक्ट आपको मिलता है गुड डॉट, वो भी बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आरसीएम करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको मिलनी चाहिए। और यहाँ तक मैं आपको बोलूँ कि आप अगर अपने ज़िंदगी के नीड लिखें ना, ज़रूरतें लिखें, अगर 100 जरूरतें लिखेंगे, मेरा पूरा विश्वास है उसमें 95% जरूरतें ये नेटवर्क मार्केटिंग पूरा कर सकता है। आप चाहते हैं कि किसानों के लिए कुछ करें, हरीश संजीवनी हमारे पास है। आप चाहते हैं कि नया कोई प्रोडक्ट लेकर मार्केट में काम करें, हम पशुओं के लिए कुछ काम करें, गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है। आप जो भी चाहते हैं वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, आपकी जो भी नीड है वो सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगा, आपका नीड यहाँ मिलेगा। और प्रोडक्ट जो रेंज है वो कंपनी की धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी FMCG प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, और धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्टों पर कंपनियाँ काम कर रही है। इसलिए यहाँ पे ये मौका है आपके पास कि आइए, आप अपनी ज़रूरतों को अगर पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो चीज़ मैंने नहीं पाया, जो मैं हासिल नहीं कर पाया, वो मैं अपनी जनरेशन को देने जाना हूँ, मैं जो प्राप्त नहीं कर पाया वह मैं आने वाली पीढ़ी को देने जाना हूँ, तो दे सकते हैं सर। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपका जनरेशन बदल सकता है। आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आपका जनरेशन बदल सकता है सर। अमिताभ बच्चन ने अपने लाइफ में एक बार डिसीजन लिया कि मुझे एक्टर बनना है, ठान लिया, और जब वो एक्टर बन गया उसके आने वाली पीढ़ी बदल गई सर। धीरूभाई अंबानी, उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, वो डिसीजन लेने के साथ साथ वो आने वाले जनरेशन को भी बदल दिया। आप भी बदल सकते हैं। करना क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, करना क्या है आरसीएम बिजनेस में सर, सिंपल सा काम करना है आपको। आपका अपना सोच बदलना है, आपको अपनी दुकान बदलनी है। यानी आप अपना सोच बदलिए, जो आप सोचते हैं वो बदलिए आप, और आप अपनी दुकान बदलिए सर। आपका घर में जो भी प्रोडक्ट आते हैं आप मार्केट से लाते हैं, बाजार से लाते हैं, बस आप एक छोटा सा काम कीजिए, ये प्रोडक्ट अब RCM का लाना स्टार्ट करिए। आपके घर में प्रोडक्ट है, बहुत सारे मार्केट का प्रोडक्ट है, आप मुझे बताइए क्या वो मार्केट का प्रोडक्ट आपको इनकम दे सकता है, क्या वो मार्केट का प्रोडक्ट आपके जनरेशन को बदल सकता है। वाकई में अगर नहीं बदल सकता, आइए इस RCM बिजनेस में आइए सर। RCM बिजनेस का हर प्रोडक्ट आपको लिए कामयाबी का द्वार है, आपका वो कामयाबी ला सकता है। इसलिए करना क्या है सर, चेंज योर शॉप, अपनी दुकान बदलिए। और सोच सर, ये वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये सोच अगर बदल दिया, अगर मैंने अपनी दुकानें बदल दी, ये बिजनेस में आप साइन अप कर सकते हैं सर। बहुत इजी तरीका है इस बिजनेस में आने का, बहुत आसान तरीका है इस बिजनेस में आने का। यानी कहने का मतलब क्या है, आप अपने घर के प्रोडक्टों को बदल कर अगर RCM के प्रोडक्टों को ले आते हैं, आप इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आप इस बिजनेस को साइन अप कर लेते हैं। अब करना क्या है साइन अप करने के लिए, साइन अप करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊं सर, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बिज़नेस सिंपल है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे ये बिज़नेस आपका क्लियर होता चला जाएगा। आपको अभी जितना समझ में आ रहा है, आपका विज़न जितना दूर जा रहा है, आप जितना दूर देख सकते हैं बस उतना देखिए, आप उतना समझने की कोशिश कीजिए, आप बस इतना समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा दे सकता है कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट है मेरा करियर बना सकता है कि नहीं, आप बस इसे एनालिसिस कीजिए। अगर आपने ये सोचा तो पहला काम क्या है, RCM के प्रोडक्टों को लेकर आकर घर में रखना। आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट हैं जो RCM से रिलेटेड है, जो RCM में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन प्रोडक्टों को बदल दीजिए सर। मैं सिंपल सा, अगर आपके किचन में
तेल किसी दूसरे कंपनी का है, RCM का ले आइए। यानी ज्वाइनिंग करने के बाद आपको पहला काम क्या है, पूरे प्रोडक्ट को लेके आना है अपने घर में, उसे डिस्प्ले करना है सर। यानी आप प्रोडक्ट लाएं, अब डिस्प्ले कीजिए, उसके घर में रखिए। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है सर, उसे यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और देखिए वाकई में ये जो कहता है वैसी क्वालिटी देता है या नहीं देता। मैं गारंटी देता हूँ सर, यूनिक क्वालिटी बनाता है RCM बिजनेस। और सबसे मजेदार बात RCM में क्या है सर, वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है नीडफुल प्रोडक्ट बनाता है, जो जरूरत है आज हमारा उसी पे सबसे ज्यादा फोकस RCM बिजनेस कर रहता है। और अगर आपको यूज करने के बाद अगर अच्छा लगा, करना क्या है, बोलना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा नमक खाते हैं, अगर आप RCM डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो क्या जवाब देंगे, किसी दूसरी कंपनी का। और अगर RCM डिस्ट्रीब्यूटर है तो क्या जवाब देंगे, RCM का। यानी कहने का मतलब है आपकी बातें बदल गई, पहले आप दूसरी कंपनी के बारे में बताते थे, अब आप दूसरी कंपनी के बारे में बताते थे, अब RCM के बारे में बताएंगे। अगर सिंपल सा एक बात अगर बताऊं, आज के डेट में हर व्यक्ति न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है न्यूट्रिशन में, लोग पूछेंगे अभी कि सर न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है। अगर आप RCM डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरे किसी मार्केट की कंपनी का नाम लेंगे। और अगर RCM डिस्ट्रीब्यूटर है तो न्यूट्रीचार्ज, यानी आपने बोला न्यूट्रीचार्ज, आपने बोला RCM का प्रोडक्ट, वो बंदा यहाँ आया और प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया। यानी सिंपल तरीका है, ज्वाइनिंग करना भी आसान और बिजनेस को लेके आगे बढ़ना भी आसान तरीका है सर। अगर ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे मेरा मानना है कि आप भी इस बिजनेस में हमसे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, हमसे भी ऊपर कामयाबी आपको मिल सकता है सर। इसलिए मैं कहूँगा इस बिजनेस को देरी ना करते हुए साइन अप करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस को करने के लिए। और जो मैं आपको आज बात बताने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, कि ये सब के बावजूद भी मैंने क्या किया सर, जब मैं बिजनेस करता था मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उसमें से दो बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने लाइफ में अपने आप को महसूस किया है कि ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। पहली बात अगर मैं आपको बताऊं सर, पहली बात है बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं जा सकते। मान लीजिए कंपनी तैयार है आपको कामयाब बनाने के लिए, कंपनी चाहता है कि आप भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह आए, अपलाइन चाहता है कि आप कामयाब बने, लेकिन अगर आप ही नहीं चाहते तो, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरा भैया चाहता था कि मैं कामयाब बनूं, सिस्टम तैयार था मुझे कामयाब बनाने के लिए, लेकिन मैं तो खुद ही तैयार नहीं था। अगर मैं खुद तैयार नहीं होऊंगा तो कोई भी व्यक्ति मुझे कामयाब नहीं बना सकता। मैं अदरवाइज मत लीजिए, मैं अलग तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली ऐसा होता नहीं कि मान लीजिए आपका अप्लाई नहीं चाहता आप कामयाब हो, तो क्या आप कामयाब नहीं हो सकते, हो सकते हैं सर, अगर आप पे विश्वास है तो। आपको विश्वास अगर है तो आपको कामयाब, लेकिन अपलाइन का ज़रूरत पड़ता है, ऐसा सिस्टम नहीं कहता। लेकिन मैं आपको बताने का चाहता हूँ कि पहले खुद पे विश्वास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। अगर मैं अपने आप पर विश्वास ना करूँ और अपलाइन मेरे ऊपर विश्वास करे तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो मैंने इस बिजनेस में सीखी वह है सर फॉलो अप। मेरे भैया मेरे को शुरुआती दौर से फॉलो अप कर रहे थे, जब मैं ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक फॉलो अप करते हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ सकूं बिजनेस। हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति ज्वाइन किया, दो चार दिन उसको फॉलो अप करते हैं और वो नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता या प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता, हम उसे छोड़ देते। क्यों, फॉलो अप ही तो करना है सर। क्या करना है, आज का फॉलो अप का सबसे आसान तरीका क्या है, व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, मीटिंग्स के माध्यम से कर सकते हैं, हर तरीका आपके पास है, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। यानी फॉलो अप करने का सबसे आसान तरीका अभी क्या है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल दुनिया, इजी है सर, तो फॉलो अप करना क्यों छोड़े हम। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि फॉलो अप करना है, लेकिन आज मैं जिस फॉलो अप की बात कहूँगा, अगर आपने ज्वाइन किया तो तीन फॉलो अप आपको करने पड़ेंगे, तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, अगर आप पहली बार आए हैं, जिस सिस्टम को अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, तो पहला फॉलो अप कीजिए प्रपोजर का, यानी जिसने इस बिजनेस को मैं आपको लाया, आप पहले उसको फॉलो कीजिए। अगर वो व्यक्ति कहता है
कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। वो अगर व्यक्ति आपको कहता है कि डायमंड करना चाहिए तो डायमंड करना चाहिए आपको। अगर वो व्यक्ति आपको कहता है कि अपनी दुकान बनाना चाहिए, अपने घर में अपनी दुकान होनी चाहिए, तो करिए सर आप। अगर वो कहता है कि वेबिनार देखने चाहिए, देखिए। अगर वो कहता है कि ट्रेनिंग लेना चाहिए, लीजिए सर। यानी पहले मतलब क्या है, आपका जो प्रपोजर आपको कह रहा है आप पहले उससे फॉलो कीजिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। पहला चीज़ है आपको अपने प्रपोजर को फॉलो करना। दूसरा क्या है सर, दूसरा है लीडर्स। वो कोई भी हो सकता है, वो वाइटल लेवल का भी लीडर्स हो सकता है, वो लीडरशिप का भी लीडर हो सकता है, वो रॉयल्टी अचीवर भी हो सकता है, वो टेक्निकल अचीवर भी हो सकता है, वो कोर लीडर्स भी हो सकता है। लीडर्स मतलब लीडर्स, आपके ऊपर जो भी लीडर्स हैं आप उनको पहले फॉलो कीजिए, उनको पहले देखिए, उनको पहले सुनिए। मैंने भी यही किया। धीरे धीरे मेरे पास जो भी लीडर्स आए, जैसे विजय विरोधिया सर आए, राकेश शर्मा सर आए, इन्होंने, विजय विरोधिया सर ने मुझे एक बात बताई थी। वो उन्होंने कहते हैं कि एक्साइटमेंट होना चाहिए, और सर को देख के लगता है फुल एक्साइटेड रहते हैं सर हमेशा। आपको मैं सच बताता हूँ सर, आप उनकी वेबिनार को देखिए हमारे चैनल पे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे आप। राकेश शर्मा सर हमेशा मीटिंग में एक बात बोलते, ठान लो, अभी भी बोलते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट करता है मुझे। सर कहते हैं कि कामयाबी पाना है तो ठान लो, सर की मीटिंग, सर का सब कुछ आपको मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप फॉलो करेंगे लीडर्स को तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा कि मैं क्या ले सकता हूँ, उससे क्या मैं सीख सकता हूँ। मैं वही करता था, मेरा काम रहता था मैं किससे क्या सीख सकता हूँ। सीखना मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी पे रहता था कि मेरे को सीखना है उनसे, जो सर बोल रहे हैं मुझे फॉलो करके उसे ले लेना है कि क्या है इनके अंदर, क्या बात सर बोल रहे हैं। वो समझाते थे 10 लोगों को, मैं चुपचाप खुद समझ जाता था क्योंकि मुझे लेना है। जब मीटिंग से होती है, लीडर्स मीट होता है, तो लीडर्स मीट में सर बोलते हैं, 10 लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति है जो उसे सुनता है। आप सुनिए, हर एक लीडर को सुनिए। यानी आपको फॉलोअप क्या करना है, अपने लीडर्स को। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, फॉलो करना है आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम को। ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है सर जो आपके ज़िंदगी में बहुत आगे आपको ले जा सकता है। इसलिए आप फॉलो करना है आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम का। और जब यूनिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने की बात आती है ना सर, तो मुकेश कोठारी का सर का एक बात मुझे याद आता है। सर कहते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब बनना है, फॉलो करना है, तो तरीका आपका क्या है। पहला नंबर रूल है सर, रूल बोलते हैं, फर्स्ट रूल है, बॉस इज ऑलवेज राइट। मतलब बॉस हमेशा सही होता है। और दूसरा रूल सर बोलते हैं, इफ रॉन्ग, अगर आपको लगता है बॉस गलत है, फॉलो द रूल नंबर 1। यानी सर ने 2 रूल बताए, पहला रूल क्या बताया, बॉस इज ऑलवेज राइट, और दूसरा रूल सर क्या बोलते हैं, इफ रॉन्ग फॉलो द रूल नंबर 1। यानी अगर आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, अगर यूनिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो ये रूल यहां पे बैठता है। यहां पे कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं आता। यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो है ये यूनिक लीडरों से बना है सर। सारे कोर लीडर्स जो आपके चहेते हैं, जिनको आप रेस्पेक्ट करते हैं, जिनको आप सम्मान करते हैं, सारे कोर लीडर्स मिलके इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करते हैं सर। हमें क्या करना है, हमें तो ईजी है सर, आसान है सिस्टम को फॉलो करना। आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाएं, चाहे आप ट्रेन में सफ़र करें, चाहे आप कार चलाएं, चाहे आप एरोप्लेन पे जाएं, कहीं भी जाएं, सिस्टम के साथ रहेंगे तो इजी हो जाएगा, और सिस्टम के विरुद्ध हो जाएंगे तो परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर मैं सिस्टम को सपोर्ट करूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, अगर मैं सिस्टम को सपोर्ट ना करूं तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। यूनिक एजुकेशन जो सिस्टम बोलता है, यूनिक एजुकेशन करता है कि आपको वेबिनार में लोगों को अटेंड कराना है, करवाइए। यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपको कहता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ मिल रहा है, आप लीजिए, आपको लेने चाहिए। यहाँ पे आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम है, और सिस्टम में डाउट करने से आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आप हवाई जहाज में जाना चाहते हैं,
हवाई यात्रा करना चाहते हैं, एरोप्लेन पे जाना चाहते हैं, और अगर आपको डाउट हो कि साला ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, अगर डाउट हो, अगर आपको सिस्टम पे विश्वास ना हो कि ये मुझे ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा, तो क्या करेंगे सर? आप चढ़ने के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे, चढ़ेंगे ही नहीं, आप कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस सिस्टम पे विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है कि ये हवाई जहाज, ये एरोप्लेन आपको इस जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है और कम वक्त में ले जा सकता है। लेकिन अगर आपको ही डाउट हो तो क्या आप पहुँच पाएंगे, जल्दी पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँचेंगे सर। इसलिए सिस्टम को सपोर्ट कीजिए, सिस्टम को समझिए। अगर आप एक बार इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आ गए, इस सिस्टम को अपने लिए काम कराने लगे, इस सिस्टम में आप घुस गए, तो ये सिस्टम जो है वो आपको आपकी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए मैं दोस्तों आपको कहूँगा कि फॉलो अप करना है तो तीन लोगों का ज़रूर करिए, जो आपको इस बिज़नेस में लाया, जो आपके लीडर्स हैं और ये यूनिक एजुकेशन। ये तीन चीज़ें आप मायने रखते हैं सर। मैंने भी अपने बिज़नेस में सीखते समय, काम करते समय हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये तीन बातों को लेकर मैं चलूँ, और मेरा मानना है कि अगर आप भी इन बातों को लेकर चल सकते हैं तो आप भी इस बिज़नेस में कामयाब पा सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको आज बिज़नेस में बताना चाहता हूँ, ये जो दो बातें मैंने आपको बताई, ये तो मैंने बताई अपनी ज़िंदगी से जो मैंने अनुभव किया है, लेकिन अगर वाकई में आप चाहते हैं कि ये बिज़नेस में आप आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहला तरीका भी हम कह सकते हैं, क्या है? गोल, यानी लक्ष्य। अगर मेरा लक्ष्य नहीं होगा तो इस बिजनेस में मैं रॉयल्टी पे भी नहीं आ सकता। लक्ष्य होना चाहिए आपका, आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपका टारगेट होगा तो ही आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। सिंपल एक बात आपको बताता हूं। मान लीजिए एक जगह बहुत भीड़ लगा हुआ है, पब्लिक एकदम खचाखच भरी हुई है, और बीच में आप फंस गए और आपको पता नहीं है कि मुझे वेस्ट जाना है, ईस्ट जाना है, या किधर जाना है, किस दिशा में जाना है, मुझे पता ही नहीं है, तो क्या होगा? ये व्यक्ति इधर से आएगा, धक्का मारेगा, उधर लेके चला जाएगा। वो व्यक्ति उधर से आएगा, धक्का मारेगा, इधर लेके चला जाएगा। और मैं हमेशा बीच में धक्का खाते रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है। मेरे दोस्त, ये बिजनेस भी वैसा ही है। आपको इस बिजनेस में लक्ष्य बनाना है। अगर लक्ष्य बना लेंगे ना, ये बिजनेस अपने आप आपको आगे ले जा सकता है। ये सिस्टम है सर। तो जरूरी क्या है? गोल, लक्ष्य। अगर एक एग्जांपल और समझते हैं कि मान लीजिए एक ग्राउंड है और उसमें फुटबॉल मैच होने वाला है, एक ग्राउंड है और उसमें एक फुटबॉल मैच होने वाला है, और उस ग्राउंड में कोई गोल पोस्ट ही नहीं है, तो क्या करेगा प्लेयर, खिलाड़ी क्या करेंगे? बॉल लेंगे, मारेंगे, कहाँ जाएंगे? उनको बहुत टेक्निक पता है कि बॉल को इस पैर से उठा के उस पैर में मारना कैसे है, सब पता है उनको, लेकिन ले जाएंगे कहाँ? अगर आप आरसीएम ज्वाइन करते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप वेबिनार देख रहे हैं, और लक्ष्य ना हो तो फिर कैसे होगा? और लक्ष्य जब बनाते हैं ना सर, तो परिस्थितियां नहीं बनती है सर। परिस्थितियां देख के व्यक्ति लक्ष्य नहीं बनाता कि आज परिस्थिति अनुकूल है तो मैं लक्ष्य बनाऊंगा, आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो मैं लक्ष्य नहीं बनाऊंगा। जैसी भी परिस्थिति है, आज जैसा भी परिस्थिति चल रहा है सर, उसी वक्त उसी समय वहां से लक्ष्य बनाइए, वहां से टारगेट लीजिए, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा आपके अनुसार सब कुछ हो ऐसा नहीं है, कभी कभार अपने अनुसार सबको बनाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको रिजल्ट कहूँगा कि ज़रूर कहूँगा कि इसमें एक गोल बनाइए, और लक्ष्य बनाने के साथ साथ उसमें डेट जरूर डालिए सर। हमारे सीनियर अप्लायंस कहते हैं कि बिना डेट के कोई लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होता। आपने एक लक्ष्य बनाया कि मैं इस बिज़नेस का रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, और डेट ही नहीं डाला, तो क्या करेंगे, कब बनेंगे? क्योंकि मेरे पास तो डेट नहीं है, कभी भी बन सकता हूँ। 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, बोलते सर आपका टारगेट क्या है? बोलते हैं सर रॉयल्टी अचीवर, इस बार रॉयल्टी अचीवर बनना है। कब बनना है, कितना दिन में बनना है? सर बन के दिखाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। हाँ, बन के दिखाऊंगा उसके बाद बताऊंगा, ये कौन सा सिस्टम हुआ सर? पहले डेट तो डाल लो, बता देना बाद में।
यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी लक्ष्य लें, मैं ये नहीं कहता कि आज आपने लक्ष्य लिया मुझे डायमंड करना है तो अगले साल ही मुझे डायमंड पढ़ना है। लक्ष्य वो लीजिए जो आप अचीव कर सकते हैं, और आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो काउंसलिंग कीजिए अपने अपलाइन से, वो आपके लक्ष्य को क्लियर कर सकता है कि कैसे और किस हिसाब से और किस टाइम तक आपका अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप सभी से निवेदन करूंगा कि लक्ष्य जरूर बनाइए। बिना लक्ष्य के ये बिजनेस करने में आपको बहुत ही तकलीफें होंगी, मज़ा नहीं आएगा आपको इस बिजनेस करने में। इसलिए मैं सबको सलाह दूंगा, आप सबको कहूंगा कि एक बार लक्ष्य बनाइए। अगर आपने लक्ष्य बना लिया दोस्तों, तो एक काम और आपको करना है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है, इस वेबिनार पे आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा, ट्रेनिंग्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, ये चैनल जो है इसमें बहुत कुछ आने वाला है। लेकिन तब तक मैं आपको बात बताता हूं, अगर आपने लक्ष्य बना लिया, दूसरा एक काम करिए सर, नेवर गिव अप, कभी भी मत छोड़िए। इस बिजनेस को एक बार अगर पकड़ लिया ना सर, तो पकड़ लिया, परिस्थिति कैसी भी हो बस छोड़ना नहीं। हम लोग टीवी में एक ऐड देखते थे ना, फेविकोल का जोर, बस छोड़ना नहीं, ऐसा जोर लगा लीजिए आप इस बिजनेस में। और इसमें जुड़े रहने का तरीका क्या है, कम्युनिकेशन में रहना, इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना, इस चैनल के साथ जुड़े रहना। तो आपको छोड़ना नहीं, परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत हो, मेरे को सपोर्ट कर रहा हो या नहीं सपोर्ट कर रहा, आपको जैसे पकड़ लिया ने इस बिजनेस को, उसी तरह इसको कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, आपको पकड़े रहना है। इसलिए मैं दोस्त आप सबको कहूँगा कि ये बिजनेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं बार बार बताता हूँ, जितने भी नए लोग हैं अपने दुकान को बदलना है, और जो बातें मैंने आज आपको बताई, जो तरीका मैंने आपको बताया, मैं अपने ज़िंदगी में जो भी कुछ सीखा हूँ उसी के ऊपर मैंने आपको रखा। और आगे बहुत सारे लीडर्स भी आने वाले हैं, और इसी चैनल में बहुत सारे लीडर्स का वेबिनार भी आपको देखने को मिलेगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सबको, सबका वेबिनार देखिए, हर एक लीडर का वेबिनार देखिए सर। हर लीडर अपने आप में एक बड़ा गुण रखता है, हर लीडर एक बहुत यूनिक पॉइंट पे बात करता है। अब बस उनको सुनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें लगातार बने रखिए। मेरे को पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो आज का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने जा रहा है, आज के लिए सबसे बड़ा फोकस पॉइंट बनने जा रहा है, जो आने वाले सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है, और ये जो टाइम है ना सर, ये जो टाइम चल रहा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग को पिक पॉइंट पर ले जाने का टाइम है, ऊपर तक ले जाने का टाइम है। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा, ये गोल्डन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, और इस गोल्डन टाइम को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। इसी चैनल पे हम लोग सब बरकरार रहिए। आप सभी से एक निवेदन है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपने कर लिया तो अपने टीम के सारे लीडर को इस चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर बोलिए, और हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए। इसी शुभकामना के साथ कि मैं आप सबसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए जय आर सिंह।